जय महाकाल दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हर बार हम संडे को मार्केट को लेके अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो आज भी वैसा ही संडे को वीडियो है मार्केट की। हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ हमेशा से आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हमने निकाल के दिए हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि हमने उनमें स्टडी करी और निवेश किया और पैसा बनाया। तो हमारा जो भी कुछ यहाँ पे शेयरिंग होती है स्टडी, वो एजुकेशन पर्पस के लिए ही होती है, और साथ में ये इंडिकेशन होता है कि जिस स्टडी को, जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक, तो उनको सामने से आप भी जाके पढ़ें, और पढ़ने के बाद में जब आपको अपनी कन्विक्शन आ जाए तो वहाँ पे आप निवेश का प्लान कर सकते हैं। इसके लिए ही ये वीडियोस आप लोगों को शेयर की जाती हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संडे को मैं शेयर करता हूँ तो आज का वीडियो भी वैसा ही रहेगा। इसको मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि जैसे कि आप हर बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आज भी वैसा ही करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बात और यहाँ पे कहूँगा कि बहुत लोगों को अभी हाल फिलहाल में जो IPO आया है बजाज हाउसिंग का, तो बजाज हाउसिंग के IPO में बहुत लोगों का IPO अलॉट हो गया है, बहुत लोगों को IPO लग गया है, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि जिनको IPO नहीं लगा है। तो हमारे पास में दोनों ही तरीके के लोगों के, मतलब हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, साथ में हमसे बात करते हैं, तो दोनों ही लोगों के मैसेज हैं कि सर जिनके IPO लगे हैं वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमको IPO लग तो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक, यानी कि ऐसा पूछने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि उन लोगों ने दोस्तों ढंग से स्टडी नहीं करी। वो IPO क्यों लगा रहे हैं अपना, IPO में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उनको पता नहीं, उनको पता ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ IPO में इसलिए लगा रहे हैं कि पिछले 3 ढाई 3 साल से IPO की मंडी है, IPO आए जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने अब से 2 ढाई साल पहले इसी YouTube चैनल पर स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने बोला था कि अभी कम से कम 650-700 IPO आएंगे, और लगभग अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में ये आंकड़ा लगभग पूरा हो गया है। नहीं तो मैं एक दिन डाटा निकाल के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने क्या करा दोस्तों, इन IPOs में बहुत पैसा बनाया, ठीक, बहुत सारे लिस्टिंग गेन करे, तो उनको इससे मतलब ही नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे चलना चाहिए हमें IPO में, कितना रिस्क लेके चलना चाहिए। उनको तो दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि IPO आता है, उसमें लगाओ पैसा, वहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलता है, 30% 50% डबल हो जाता है पैसा, ठीक है, और उसके बाद में बस उस पैसे को निकाल लो, ये IPO खेलते रहो। तो मैं आपको एक बात सामने से क्लियर कर दूं, ये IPO का खेल अब तक तो ठीक चला, आगे को सोच समझ के सिलेक्टेड IPOs में ही आप निवेश कीजिएगा। और जो भी कोई मैं बात बोलता हूं वो थोड़ा सा टाइम एनालिसिस से थोड़ी एडवांस हो जाती है, इसलिए उस बात को आप उस समय पे ना तो ध्यान देते हैं और ना ही उसकी कोई वैल्यू करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल वैल्यू मत करो, लेकिन कम से कम आप अपने हिसाब से स्टडी करो, और फिर घड़ी घड़ी हमें परेशान मत करो कि ये इसमें अब क्या करें, क्योंकि हमारा कोई इसमें मत नहीं है, हमारी कोई स्टडी नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही स्टडी है कि अगर मैं इस IPO पे अपना व्यू दे सकता हूँ बजाज हाउसिंग पे, क्योंकि बजाज हाउसिंग का जो IPO है वो मेरे आसपास के बहुत लोगों के पास में अलॉट हुआ है, बहुत लोगों को अलॉट नहीं हुआ है। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे भी अलॉट नहीं हुआ है अब मेरे, लेकिन एक दो अकाउंट में, फैमिली अकाउंट में ये अलॉट हुआ है। सो मैं आपसे मेरी क्या स्ट्रेटेजी है वही शेयर कर रहा हूं। अगर ये IPO कल को, यानी कि ये जब लिस्टिंग के टाइम पे 140 150 130 के आसपास खुलता है, और फर्दर एक थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट देता है करीब 170 180 तक की, तो मैं यहाँ पे एक बार मल्टीपल लॉट होने के कारण मैक्सिमम लॉट की प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, और एक सिंगल लॉट को कभी नहीं बेचने वाला,
क्योंकि सिंगल लॉट मैंने बिजनेस मॉडल को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है। वहां मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कोई चीज ली और वो मेरी यहाँ पे मेरे को गेन दे रही है तो मैं अभी निकल जाऊं, कल को वो नीचे गिरती है तो मैं निकल जाऊं, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये क्योंकि एक बिजनेस सेंटिमेंट्स है, प्राइस के सेंटिमेंट्स होते हैं कि प्राइस ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद में फिर नीचे भी आते हैं, तो ये तो बिजनेस का सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है बजाज हाउसिंग में और एक लॉट पे ही आप काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको अपना व्यू बता दिया, वहाँ हमें बने रहना है। बट अगर आपके पास में मल्टीपल लॉट्स हैं तो आप अपना ये देख लीजिए कि कितनी कैपिटल को आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया था और कितनी कैपिटल को आपने लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट किया था। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए ही सिर्फ इन्वेस्ट किया था तो आप गेन लीजिए और बाहर आ जाइए, उसमें फिर ज्यादा से ज्यादा भंडारे में जो खीर बट रही है वो सब मुझे ही मिल जाए, ऐसा सोचना आपकी गलत मानसिकता होगी, वो ना करें। जो मिल रहा है लेके चलते बने। यहाँ पे दोस्तों यही मेरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो IPO का व्यू है वो यही है, ठीक है। और जब कभी भी मान लीजिए जिन लोगों को नहीं लगा है, जैसे मुझे भी नहीं लगा, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, ये जरूर से आपको टाटा टेक्नोलॉजी की तरह मिलेगा। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी में आवड़ तोवड़ परेशान हुए ना लोग, बाद में ₹1000 पे, हमने ही वीडियो में अपना शेयर किया ना स्टडी, ₹1000 में मिला ना आपको, ठीक। आपका पेटीएम कहाँ खुला था 1800-1900, मिल रहा है ना अब 600 में, 500 में, 400 में, क्यों नहीं लिया, ठीक। हालांकि वो वाली हालत इसकी नहीं होने वाली, ये अलग सिस्टम है, इसका प्रमोटर अलग है, इसका बिजनेस सेटअप अलग है, वैसा नहीं है यहाँ। लेकिन अगर जब कभी भी ये 2-4-6 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, ठीक है, ये जो इफोरिया है ये जब खत्म होगा इस स्टॉक का, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा नीचे का लेवल दिखाएगा, वहाँ हम खरीदेंगे। तो खरीदने के लेवल ₹100 पे भी एज पर इंट्रेंसिक वैल्यू कम नहीं है, बहुत अच्छा है, 110 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो और उसके नीचे मिलता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है। तो आप यहाँ पे आराम से नेक्स्ट प्लानिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये फुल डिटेल में मैंने इसका रिव्यू, मतलब एक व्यू दिया है अपना, और बाकी आपको पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज अपनी स्टडी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप ये काम करते हैं। तो यही एक आपका जज्बा और आपकी ये एनर्जी बूस्टर हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, वीडियो में शेयर करता हूँ मैं अपने विचार। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर, तो एक बार चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का और चार्ट के हिसाब से इसको एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। ये डेली चार्ट है, इस डेली चार्ट पे बहुत अच्छा जबरदस्त स्पाइक मूव आया थर्सडे के दिन और एकदम लोगों को लगा कि ये क्या सरप्राइज, लेकिन फिर भी हमारा जो 25,500 वाला टारगेट था वो अभी तक इसने टच नहीं किया है, जबकि हम 25,430 तक चले गए, देख रहे हैं आप, 25,430 तक जाने के बाद में थोड़ा नीचे बंद हुए हैं। बट अभी अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी करें तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें इमीडिएट सपोर्ट, ये वाला कैंडल है हमारा 9 सितंबर वाला, इसके लो को मार्क कर लें और लो को मार्क करने के बाद में हम इसके अंदर ट्रेड में अपसाइड मूवमेंट के लिए बने रह सकते हैं। और ये हमारा लो होगा 24,753, 24,753 इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी। काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे है, बट जब गिरता है तो तब नहीं समझ में आता है कि नीचे है या ऊपर है, तब सपोर्ट और लेवल ही काम आते हैं। तो ये यहाँ पे हमें लेवल ध्यान रखना है, इस लेवल के बाद में ऊपर के लिए जर्नी अभी बरकरार है, लेकिन हम एक बार 25,500 के बाद में 25,600-25,620 इन लेवल को मैंने 2-3 बार वीडियो में बोला है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में फुल पूरे तरीके से कॉशियस होकर ट्रेड करना है, ट्रैप नहीं होना है बाजार में, क्लियर। बाजार में नेक्स्ट वीक उठा पटक का माहौल देखने को मिल सकता है। ये जो कल से सप्ताह स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, तो 16 से 21 वाला जो वीक है ये
20 वाला, 16 से 20, ये लगभग ठीक ठाक है, क्या पता ऊपर की तरफ और खींचे बाजार। नेक्स्ट वीक इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक हल्का सा खिंचाव नीचे को देखने को अगर मिला तो जो लोग ऑप्शंस ज्यादा प्ले करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। निवेशक को तो अभी कहीं दूर दूर तक भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है, या मोमेंटम ट्रेडर को तो दूर दूर तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि कुछ भी खराब होने वाला है। तो निफ्टी ऊपर के लिए इंटैक्ट है 25,500 और 25,600, 620, क्लियर। अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट ये रहने वाला है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी पहले से काफी अच्छा सुधरा है, और मैं आपको बता दूं कि पिछले इतने दिन से जो निफ्टी बैंक निफ्टी की रेशियो डिस्टर्ब थी उस रेशो को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इंप्रूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छे मुझको ऐसा लग रहा है कि हमें मूवमेंट देखने को मिलेंगे 52,386 के बाद। 52,386 के बाद में और भी अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये अभी भी एक मूवमेंट पे ही प्ले कर रहा है और मोमेंटम पे ही स्ट्रांगली ये खड़ा हुआ है, और सपोर्ट हम ये रखेंगे, इस कैंडल का लो रखेंगे 50,335 का हम सपोर्ट रखेंगे दोस्तों। ये सपोर्ट के साथ में हम ट्रेड को ऊपर के लिए प्लान करेंगे। 50,368 का एक सपोर्ट रख के हमें ऊपर के लिए ही बैंक निफ्टी में प्लान करना है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और बजाज हाउसिंग का हमने व्यू दिया आपको, तीनों चीजों का व्यू दिया। अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कुछ एज पर प्रॉमिस एक दो अच्छे स्टॉक्स जो हमको लग रहे हैं। तो लास्ट वीक ही मैंने एक आप लोगों को ट्विटर पे और टेलीग्राम पे एक स्टॉक सजेस्ट किया था, अपनी स्टडी शेयर करी थी, एमी ऑर्गेनिक्स। तो एमी ऑर्गेनिक्स में बहुत ही अच्छा देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो एमी ऑर्गेनिक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में अपनी स्टडी शेयर की थी, तो एमी ऑर्गेनिक्स आप देख सकते हैं, और अभी ब्रेकआउट भी किया है जल्दी में, तो फंडामेंटली कंपनी इंप्रूव कर रही है। तो आने वाले टाइम के लिए तो स्टॉक में टारगेट लंबे होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम 1600, 1650 तक के लिए इसमें अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक स्टॉक मेरा ये, दूसरा स्टॉक हमने और एक स्टडी करी थी नेस्को लिमिटेड। तो नेस्को लिमिटेड में भी अभी थोड़ा सा टेस्टिंग है, बट नेस्को एक अच्छा आपको मूवमेंट दे सकता है आने वाले टाइम में, इसलिए मुझे नेस्को ठीक लग रहा है। और नेस्को में ये जैसे ही लेवल 1030 के ऊपर जैसे ही हम निकलेंगे तो नेस्को में एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। 1020 भी मान लीजिए, 1020 के बाद में एक अच्छा मोमेंटम प्ले होता हुआ यहाँ नजर आने वाला है, इसलिए नेस्को भी ध्यान रखें। नेस्को के बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। ये देखिए, मैंने ये स्टॉक को आप लोगों के साथ में शेयर किया था, और ये स्टॉक आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एडवांस एंजाइम। इसको बहुत लोग अब चर्चा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि स्टॉक की रेंज, बाइंग रेंज 290 से 335 हमने दी। स्टॉक की बाइंग रेंज हमने क्या दी, आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक की बाइंग रेंज हमने 290 से 335 रुपया दी हुई है, राइट। अब स्टॉक को आज पब्लिक खरीद रही है, आप देखिए इस चैनल पे एक खास बात आपने पकड़ी होगी, आगे से आगे स्टॉक्स या कोई भी मार्केट का ट्रेंड या एनालिसिस महाकाल की कृपा से हमने सबसे पहले आपको बताई है। यहां आपको तारीफ करनी पड़ेगी, किसकी, मेरी नहीं, मैं तो जस्ट थोड़ा पहले बोल ही देता हूं एनालिसिस करके, लेकिन सिग्नल तो ऊपर से ही आता है ना, तो महाकाल की कृपा से ही एनालिसिस हो पाती है। तो एडवांस एंजाइम में मैंने पूरा कंपनी का एक आउटलुक, छोटा सा ये इस तरीके का एक पोस्टर टाइप का शेयर किया कि कंपनी लॉन्च्ड वेल्फा, इट्स ऑन B2C न्यूट्रो ब्रांड्स, दिस सेगमेंट शुड बी द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, और बाइंग रेंज दी थी आप लोगों के साथ में, टारगेट भी शेयर किए थे, टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी हमारी नेक्स्ट जो बाइंग रेंज है वो सिक्स, सॉरी रिव्यू रेंज है
680 से 750 है, ठीक है, इसको हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो ये स्टॉक यहाँ पे बहुत चर्चा में है। मेरा कहना है प्लीज मत लीजिए ऐसे, आपको स्टॉक लेना ही है तो थोड़ा सा डाउनसाइड आने दीजिए, ठीक ठाक होने दीजिए इसको लेवल्स पे। अभी बहुत महंगा होगा क्योंकि मेरे तो टारगेट के पास आपकी बाइंग रेंज आ रही है। हमारा जो टारगेट है वो आपकी बाइंग रेंज है, कमाल ही हो गया। तो ना ना ना, ये मैं तो इस तरीके की चीज़ों को समझता नहीं हूँ कि ठीक है। थोड़ा सा दोबारा से डिस्काउंट होने दीजिए प्राइस को, तब इन्वेस्टमेंट करना बनता है। जो लोग बने हुए हैं उनको बना रहना है इसमें, और कोई बात नहीं है। तो ये स्टॉक्स थे दोस्तों, एमी ऑर्गेनिक्स, नेस्को, एडवांस एंजाइम, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बजाज हाउसिंग, इनका व्यू मैंने आपको दिया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जय महाकाल।